एक वायरिंग कैसे किए हैं इसको, किस तरीके से कंट्रोलर को वायरिंग किया। और ये तो स्विच आप देख सकते हो, यहाँ पर पैनल है, तो ये पैनल पे सिंबल आ रहा है, किस कारण आ रहा है, यहाँ पर अपना थ्री फेज का जो लाइन है सप्लाई आ रहा है, ठीक है, कुछ सेकंड भी नहीं लगा। और ये जनरेटर का हमारा सप्लाई ऑन हो गया, और ये देख सकते हो यहाँ पर लाइट भी आ गया है पोल्ट्री फार्म हाउस। तो हाय गाइस, कमलेश इलेक्ट्रिशियन में आपका स्वागत है दोस्तों। आज का टॉपिक दोस्तों आपको बताएंगे ऑटोमेटिक कंट्रोलर के बारे में। बहुत सारे भाई लोग कमेंट कर रहे थे, सर आप ऑटोमेटिक तो स्टेट का लाइट तो बताते हो, फिर हम एक और जनरेटर के बारे में एक सवाल पूछा गया था, तो हम लोग जनरेटर का ऑटोमेटिक कंट्रोलर बताएंगे। काफ़ी हेवी क्वालिटी का आपको बता देता हूँ, और ये थ्री फेज पे इंस्टॉलेशन ज़्यादा होता है, खासकर बड़ा बड़ा इंडस्ट्री लोग में होता है थ्री फेज का ऑटोमेटिक कंट्रोलर। तो उसके पहला नाम आपको बताते हैं ऑटोमेटिक कंट्रोलर, ठीक है, और उसके बाद जो है एक नाम और है उसका ऑटोमेटिक ट्रांसफ़र स्विच बोला जाता है उसको, क्योंकि यहाँ का जो लाइन जाएगा उसके बाद जाके ऑटोमेटिक कन्वर्ट होके आउटपुट दे के बारे में आपको बताएंगे। और थ्री फेज का है कंट्रोलर, ये 40 केवी का कंट्रोलर है, और ये ऑटोमेटिक काम करेगा, जैसे ये जनरेटर हमारा टाटा कंपनी का आप देख सकते हो, तो इसी में आपको कनेक्शन करके आपको आज की वीडियो में आपको बताएंगे किस तरीके से ऑटोमेटिक कंट्रोलर लगाया जाता है जनरेटर पे। तो दोस्तों आप वीडियो पे बने रहिए, आपको लेके चलते हैं, और ये थ्री फेज का आपको बता देते हैं, और इसको थ्री फेज का जनरेटर को ऑटोमेटिक कंट्रोलर लगा के दिखाएंगे आपको पूरा आज की वीडियो में पूरा डिटेल। तो वीडियो पे बने रहिए दोस्तों, आपको लेके चलते हैं हमारे टॉपिक पे, और आपको पहले हम लोग कंट्रोलर देखेंगे, उसके बाद आपको जनरेटर के पास आके कनेक्शन आपको समझाएंगे। तो चलो आपको लेके चलते हैं हमारे पैनल के पास। आप देख सकते हो यहाँ पर पोल्ट्री फार्म हाउस है, और आपको बता देते हैं कंपनी का नाम यहाँ पर मेंशन है, और कंट्रोलर पैनल के पास लेके जाते हैं अभी। तो दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पर हमारा जो है थ्री फेज का पैनल बॉक्स लगा हुआ है, और इसको हम लोग पे नॉर्मल बनाया गया, आपको बता देते हैं इसको पूरा इंस्टॉलेशन करके पूरा कनेक्शन बनाया गया अलग से। और जो कंट्रोलर के बारे में जो मैं बात कर रहा हूँ, और आप देख सकते हो ये ऑटोमेटिक स्विच कंट्रोलर के थ्रू पूरा ऑटोमेटिक चलने वाला है, जैसे कि लाइन का कंट्रोलर है बता देते हैं, थ्री फेज जैसे लाइन चले जाएगा तो ऑटोमेटिक जनरेटर ऑन होगा, ठीक है। तो हम आज की वीडियो में पूरा डिटेल बताएंगे, वीडियो पर बने रहिए। देख सकते हो यहाँ पर मेंशन है ऑटोमेटिक ट्रांसफर स्विच के नाम से इसको जाना जाता है। ये कंट्रोलर के बारे में जो मैं आपको बता रहा था, ये ऑटोमेटिक काम करेगा जनरेटर के थ्रू। तो आपको बता देते हैं यहाँ पर, देखिए आपको इसका पॉइंट आपको बता रहे हैं कैसे वर्क करेगा। तो आप देख सकते हो ये जो हमारा पहला फेस है, और ये दूसरा, ये तीसरा, ठीक है, ये जनरेटर का लाइन है, और इसका वायरिंग जो है नीचे की ओर है टर्मिनल। आप देख सकते हो मेन हमारा पहले इनपुट है, उसके बाद जनरेटर का है, उसके बाद जो है आउटपुट का है, उसके बाद ये आया हमारा चेंज वायर पे, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिक पे रखें दो नंबर पे, और इसको आपको पूरा ऑन करके दिखाते हैं कैसा ये वर्क करेगा, और आपको कनेक्शन इसका भी बताता हूँ कैसे तरीके से करना है। तो पहले आपको दिखा देते हैं, तो चलो आपको बताते हैं इसका एक वायरिंग कैसे किए हैं इसको, किस तरीके से कंट्रोलर को वायरिंग किया। और ये तो स्विच आपको पता चलेगा 40 किलोवाट तक लोड डाल सकते हैं। पहले हमारा जो है, देखिए यहाँ पर अपना इनपुट आएगा, ठीक है, और इनपुट आउटपुट हमारे को जो है एक, देखिए यहाँ पर इनपुट है, चार टर्मिनल है यहाँ पर, आर वाई, रेड कलर का वाइट टेप नहीं था तो हम देखिए यहाँ रेड लिख दिए, आर लिखे हुए हैं तो ये आर है, उसके बाद वाई, उसके बाद वी, और ये ब्लैक, ठीक है, ये हो गया हमारा इनपुट लाइन, ठीक है। इनपुट के बाद ये जो हमारा जनरेटर का लाइन है केबल से आया अंदर से, ठीक है, ये जनरेटर का लाइन है, इसमें जो है आर वाई बी और ये ब्लैक, ठीक है, न्यूट्रल, ये जनरेटर का। उसके बाद आपको बता देते हैं यहाँ पर, देखिए आर वाई बी और ये ब्लैक, ये आउटपुट लाइन है, ये आउटपुट लाइन लेके आए हम लोग चेंज वायर पे, यहाँ पर चेंज वायर पे रखें, और आप देख सकते हो दूसरे नंबर पे है चेंज वायर पे ऑटो, ठीक है। तो ये जो है कनेक्शन आपको समझ आ गया। उसके बाद एक केबल लेके आना है अपने को फोर वायर का कंट्रोलर वहाँ से जनरेटर से, और ये जो है देखिए आर वाला और ये वाई वाला और उसके बाद ब्लू वाला और ये ग्रीन वाला, अपने को यहाँ से सप्लाई देना है करंट, ठीक है, क्योंकि यहाँ से अपने को सिग्नल चाहिए जनरेटर को। तो आपको दिखाते हैं, उसके बाद जनरेटर की ओर लेके चल, ये देखिए केबल आके जनरेटर पर गया, और इसको ओपन करते हैं, इसके बाद ये डब्बे का ओपन करेंगे यहाँ पर,
ये देखिए यहाँ पर हमारा पैनल है, इसी को ओपन करते हैं और आपको बता देते हैं यहाँ पर पैनल पे दो स्विच है। ये पैनल डिस्प्ले लाइट का है और ये जो है यहाँ पर अंदर पे लाइट है, ठीक है। इसको बाहर करते हैं और आपको दिखाते हैं यहाँ पर कहाँ पर वायरिंग जोड़ना है, आपको जनरेटर का कनेक्शन कहाँ जोड़ना है आपको दिखाते हैं कौन से जगह पे। तो पहले हम लोग ये MCCB है, देखिए यहाँ पर आउटपुट का लाइन है जो हमारा जो आपको बता रहे थे जनरेटर का RYB और ये ब्लैक और ये केबल आया 4-कोर केबल। और इसको जो है हम लोग कनेक्शन कहाँ किए देख सकते हो, यहाँ पर पॉइंट है हमारा टर्मिनल, ठीक है। और ये टर्मिनल कहाँ से आता है आपको वायरिंग आपको दिखाते हैं। ये जो टर्मिनल ब्लैक कलर का ये रेड कलर का वायर है, यहाँ से टर्मिनल आते हुए यहाँ पर एक पैनल है, आप देख सकते हो यहाँ पर पैनल है। तो ये पैनल पे कनेक्शन होगा, देखिए यहाँ पर चार्जेस वाट ऑटोमेटिक पैनल, तो इसमें से हमारा जो सप्लाई आया और यहाँ पर कनेक्टर, ठीक है। तो ये कनेक्टर पे RYB और ये जो ग्रीन कलर ये कनेक्ट कर दिए। उसके बाद देखिए कनेक्ट करने के बाद आपको बताते हैं क्या हुआ यहाँ पर। देखिए यहाँ पर ग्रिड का सिंबल आ रहा है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर ग्रिड का सिंबल आ रहा है, किस कारण आ रहा है, यहाँ पर अपना 3 फेज का जो लाइन है सप्लाई आ रहा है, ठीक है। और इसको जो है ऑटो मोड पे रखना है, तो ये जो है ऑटो मोड से हटाना है तो इसको ऑफ करना है, ये यहाँ से होगा और इसको ऑटो मोड पे रख देंगे इस पोर्ट, तो ये ऑटोमेटिक मोड पे रखते हैं और इसको जो हम लोग टेस्टिंग करते हैं जनरेटर हमारा कैसा काम करेगा। और ये ग्रिड आ रहा है, ये ग्रिड कट जाएगा, देखिए यहाँ पर वोल्टेज भी शो कर रहा है सबका सप्लाई, तो ये कटेगा, उसके बाद ऑटोमेटिक हमारा जनरेटर ऑन होगा और ये सप्लाई जो है यहाँ से छोड़ देगा, ठीक है। तो कैसे छूटेगा आपको बता देते हैं, यहाँ पर लाइन डिस्कनेक्ट करके देखते हैं। और ये जनरेटर टाटा कंपनी का आप देख सकते हो 40 KV का है, और इसको ऑन करके देखते हैं पहले पैनल के पास जाते, तो ऑटोमेटिक मोड पे कर दिए, उसके बाद ये तीनों फेस आ रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर मेन MCB है हमारा, तो इसको जो है बंद कर देते हैं मेन MCB को। तो देखिए मेन MCB बंद करने के बाद कुछ सेकंड के बाद हमारा जनरेटर ऑन हो जाएगा, देखिए यहाँ पर पूरा लाइट ऑफ हो गया और ये जनरेटर का जो है पॉइंट है और ऑन हो जाएगा, देखिए ग्रीन कलर का लाइट है ऑन होगा अभी कुछ सेकंड में, देखिए कुछ सेकंड भी नहीं लगा और ये जनरेटर का हमारा सप्लाई ऑन हो गया। और ये देख सकते हो यहाँ पर लाइट भी आ गया है पोल्ट्री फार्म हाउस में, और ये यहाँ पर पैनल पे भी जाता है, पैनल में भी सप्लाई यहाँ से आ जाएगा। अब देख सकते हो यहाँ पर जो 3 फेज का पैनल है, यहाँ से सब ब्रूडर सब चलता है पोल्ट्री फार्म हाउस में और यहाँ से हमारा सप्लाई जाता है, तो यहाँ भी हमारा सप्लाई आ गया, इसको ऑफ कर देते हैं। और देख सकते हो यहाँ पर हमारा जो सप्लाई, ये तीनों कटने के बाद ग्रीन कलर का लाइट ऑन हुआ और जनरेटर पे आ गया, ठीक है। आउटपुट जा रहा है हमारा सप्लाई और ये जनरेटर का मोड में चेंजर पे है। और चलो आपको दिखाते हैं जनरेटर की ओर। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो जनरेटर हमारा चल रहा है और आपको बताते हैं यहाँ पर सप्लाई कैसा काम कर रहा है। देखिए ये वाला ऑटोमेटिक मोड पे है और ये देख सकते हो ये ऑटोमेटिक मोड पे ग्रिड कर दिया, ठीक है, सप्लाई कर दिया और ये जनरेटर से थ्रू आ रहा है, ये जनरेटर है हमारा और ये ग्रिड है। तो ये जनरेटर में ऑटोमेटिक मोड पे जनरेटर चालू भी हो गया है, चालू हो गया, उसके बाद हमारा लाइन सप्लाई आ रहा है, आउटपुट भी जा रहा है, आउटपुट की अब यहाँ पर लाइट आएगा तो ये ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। कैसा बंद होगा आप देखते हैं, यहाँ पर ग्रिड को देखना, ये टच हो जाएगा, ये जनरेटर का छूट जाएगा। देखिए यहाँ पर मेन लाइन जल रहा है और हम MCCB उठाते हैं, यहाँ पर उठाओ उसको, ये वाला उठाना रे। उठाने के बाद देखिए यहाँ पर सप्लाई, देखिए यहाँ पर हमारा लाइट सप्लाई आ गया और कुछ देर के बाद ये देखिए ये इंडिकेटर जल रहा है और ये जनरेटर ऑफ हो जाएगा, ठीक है। तो आपको दिखाते हैं ऑफ कैसा होगा, ये ऑटोमेटिक कंट्रोलर है काम करेगा कैसे आपको बता देते हैं, कुछ सेकेंड लगेगा, अभी 30 से 35 सेकेंड लगता है और ये जो है ऑफ हो जाएगा ये ग्रीन कलर और जनरेटर भी ऑफ हो जाएगा। देखिए फाइनली हम लोग का जनरेटर बंद हो गया और यहाँ पर लाइन से चल रहा है, तो आपको समझ आएगा कि और आप देख सकते हो। और उसके बाद आपको जनरेटर की ओर लेते हैं और कैसे बंद हुआ आपको दिखाते हैं, कैसे तरीके से इसको बंद किया गया है कंट्रोलर से सप्लाई से। तो चलो दिखाते हैं आपको जनरेटर का, आप देख सकते हो ये ग्रिड का लाइन था, यहाँ से कट गया था, ठीक है, और ये अभी जनरेटर का लाइन कटा हुआ है, तो ये जो है सप्लाई आउटपुट वाला है। तो आपको समझ आएगा यहाँ पर लाइट कटेगा ग्रिड तो ये जनरेटर का चले जाएगा, और ये अभी हम लोग इसको ऑटोमेटिक मोड से हटा देते हैं। अब मैं ये ऑटोमेटिक मोड से हटा के इसको
ऑफ कर देते हैं। तो यहाँ पर लाइट काटने के बाद भी ना, और ये चालू नहीं होने वाला जनरेटर, ठीक है, ये ऑटोमेटिक मोड से हटा दिए। इस तरीके से ऑटोमेटिक मोड पे रखना है, तो ऑटोमेटिक मोड का बटन प्रेस करना है, ये ऑटोमेटिक मोड पे आ जाएगा, कुछ भी स्टार्ट हुई कुछ नहीं करना पड़ेगा। तो इस तरीके से ये जो है हमारा कंट्रोलर काम करेगा। तो इसके साथ जो इस तरीके से फ्यूचर भी रहना चाहिए जनरेटर पे, तब जो है ये ऑटोमेटिक फुल्ली काम करेगा, नहीं तो बिल्कुल काम नहीं करेगा। देख सकते हो यहाँ पर ऑटोमेटिक मोड से हटा दिए, और ये मैनुअल चालू कर सकते हैं इसको। और ये देखिए यहाँ पर सप्लाई कट गया, लाइन कट गया, यहाँ पर जनरेटर का भी लाइन कटा हुआ है, और ये जनरेटर चालू नहीं हो रहा है। इसको ऑटो से करेंगे तो ऑटोमेटिक होगा, स्टार्ट करेंगे तो स्टार्ट होगा, तो हम स्टार्ट नहीं करेंगे क्योंकि ये तो 100% चलेगा। अभी पैनल को ऑफ कर देना है पूरा, ठीक है, पैनल ऑफ हो गया यहाँ स्विच से, और यहाँ से दरवाजा करके ऑफ कर दिए, और ये लॉक कर दिया हुआ है, यहाँ पर लॉक कर देना है, ठीक है, ताकि कोई पैनल को हाथ नहीं लगा सके, ना ये ऑटोमेटिक से चलेगा ना नॉर्मल से चलेगा, बंद, ठीक है। तो दोस्तों आपको पता चल गया किस तरीके से कंट्रोलर का वायरिंग करना है, और किस तरीके से यहाँ पर जनरेटर का जो है ऑटोमेटिक मोड पे करना है, और किस तरीके से ऑपरेट करते हैं जनरेटर। और ये जो है काफ़ी हेवी, आपको बता दें 40 से 45 किलोवाट तक कंट्रोलर पे लोड डाल सकते हैं, ठीक है, इंडस्ट्री पे ज़्यादा काम आता है। फाइनली आपको लोग को पता चल गया कैसा करते हैं इसको कनेक्शन, और किस तरीके से। आपको कुछ भी समझ नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, और वीडियो अच्छी लगी दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर लेना। चलो मिलते हैं अगले वीडियो पे, थैंक यू।